सभी साथियों ने कहा कि लगभग मैंने मुझे याद है 2022 को मैंने ये संकल्प देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने रखा था। लगभग लगभग मैं समझता हूँ कि 2 साल का समय पहले, यानी 10 दिन पहले, 2 साल में 10 दिन पहले ने हमको समिति ने अपना अध्ययन करके, अपनी बात करके हमको रिपोर्ट सौंपी और हमने भी देर नहीं करी। ये अच्छा, हमें इसमें देर करने की मैं समझता हूँ कोई आवश्यकता नहीं थी। और उन्होंने 1 तारीख को दी और हमने 5 तारीख से आउट कर दिया। जितनी भी औपचारिकताओं को पूरा किया। मैं समिति के सदस्यों का और उनका जो योगदान रहा है उनका धन्यवाद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि समिति के सदस्यों का योगदान राज्य ही नहीं बल्कि आने वाले समय में हम सब लोग जो आज इस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं, ये विधेयक के रूप में प्रस्तुत हुआ है, आगे एक विधेयक के रूप में स्थापित हो जाएगा, ये केवल उत्तराखंड के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। ये कहीं ना कहीं सबको एक राह दिखाने का काम करेगा। जिस प्रकार से देवभूमि से निकलने वाली माँ गंगा संपूर्ण देश को कहीं सींचने का काम करती है, कहीं यातमन का काम करती है, कहीं पीने के काम आती है, कहीं करने का काम करती है, उसी प्रकार से इस सदन से निकलने वाली ये समान अधिकारों की जो गंगा है, समान नागरिक आचार संहिता की गंगा, हमारे सभी नागरिकों के जो संवैधानिक अधिकार हैं उन अधिकारों की रक्षा भी करेगी और उन अधिकारों को सुनिश्चित करने का भी काम करेगी। हम से ये कहते आए हैं कि अनेकता में एकता, यही भारत की विशेषता है। यह बिल उसी एकता की बात करता है जिस एकता का नारा हम आज से नहीं हमेशा से लगाते आए हैं, जिस एकता की बात हम करते आए हैं, सभी नागरिकों के लिए कानून की बात संविधान स्वयं करता है। क्योंकि हमारा जो संविधान है वो पंथ निरपेक्ष है और ये एक आदर्श धारणा है कि जो हमारे समाज की जो खराबियां हैं या मैं कहूंगा कि विषमताएं हैं उन दूर करके सामाजिक ढांचे को मजबूती प्रदान करने का काम संविधान करता है। यह एक आदर्श धारणा है कि जो हमारे समाज की जो बुराइयां हैं हमारे सामाजिक ढांचे को और मजबूत बनाने का काम करता है। मुझे खुशी की बात है कि आज इस धारणा को धरातल पर लाने का काम हमारी देवभूमि से हो रहा है और हम सब उसके साक्षी बन रहे हैं। माँ गंगा को राजा भगीरथ धरती पर लेकर आए थे, यह वही भूमि है, यह वही माँ गंगा की भूमि है, माँ यमुना की भूमि है, भगवान बद्री विशाल, बाबा केदार, आदि कैलाश, ऋषि मुनियों की तपस्थली। अरे वो तो है ही है, आप बोल रहे हैं पिरान कलियर भी है, जितने भी हमारे, देखिए मैंने कहा कि जब हम ऐसा कानून बनाने जा रहे हैं जो धर्म से, पंथ से, समुदाय से, विशेष से सबसे अलग करता है, सबको एक रूपता में लाने का काम करता है, तो उसमें जितने हमारे धार्मिक स्थल हैं राज्य के अंदर वो सारे धार्मिक स्थल हम सबको गौरव प्रदान करते हैं, हम सबको एक पहचान देने का काम करते हैं, हम सबके अंदर एक विशिषता लाने का काम करते हैं, तो उसमें पिरान कलियर कैसे छूट सकता है। वह भी है, वो तो हमारा इतना पवित्र स्थान है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये वीर भूमि भी है, बलिदानियों की भी भूमि है और यही यही देवभूमि, यही धरती उत्तराखंड की आज आदर्श स्थापित करने जा रही है। आज हम आजादी के अमृत काल में हैं और हम सभी का कर्तव्य है कि हम एक समरस समाज जिसमें कोई भेदभाव ना हो, कोई पक्षपात ना हो, किसी प्रकार की कोई मिलावट ना हो, उस समरस समाज का निर्माण करें। एक ऐसा समाज जहां पर संवैधानिक जो प्रावधान है वह भी हो और सभी के लिए समान हो, सभी के लिए सर्वोच्च हो, सभी के उन्नति में, सभी की गति में, सभी की उन्नति में उनका योगदान हो। और जिस प्रकार ऋग्वेद में वर्णित जो संगठन का मंत्र है वो कहा गया है, ओम संगच्छ धम संबद्धम संभो मनासी जानताम देवा भागा
भागम यथा पूर्वे सज्जा नाना उपासते, यानी कि हम सब समान हो, एक होकर समान मन से विरोध का परित्याग कर श्रेष्ठ कर्म के लिए आगे बढ़े, ये मंत्र कहता है। और जब हम समान मन की बात करते हैं उसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि हम सभी के कार्यों में एक रूपता हो, बल्कि एक इसका अर्थ है कि हम सभी समान विचार और व्यवहार द्वारा जो विधि सम्मत कार्य है, जिसको व्यवस्था कहती है, जिसको समाज कहता है, जिसको हमारा संविधान कहता है, उसके अनुसार आगे बढ़ें। समान नागरिक संहिता भी यही है, इसमें सभी लोगों को समान मानकर उन्हें समान जो अधिकार है वो देने की बात कही गई है, जिसका आप सब लोगों ने अब कुछ न कुछ सभी ने किसी न किसी रूप में इसका अवलोकन कर लिया है। और ये अभी तो शुरुआत हो रही है, एक काम कोई समाप्त नहीं होने जा रहा है। विधानसभा ने आपके नेतृत्व में ये इतिहास रचने का काम किया है, मातृशक्ति के उत्थान का, मातृशक्ति के सशक्तिकरण का, मातृशक्ति की सुरक्षा का और मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का। तो ये कोई आज ही समाप्त नहीं हो जाने वाला है, विधानसभा का सत्र आगे भी होने वाला है, ये व्यवस्था आगे भी चलने वाली है, ये चलता रहेगा। ये हमने शुरुआत की है, कोई इसका समापन नहीं किया है। समान नागरिकता के बारे में कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जो हमने संकल्प लिया था वह संकल्प आज सिद्धि तक पहुंच रहा है, वो संकल्प पूरा होने जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदया, जो भारत का संविधान है, संविधान सभा की बहस है, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले हैं, ये ऐसे अनेक कारण हैं जो हमें इस पर मार्गदर्शित भी करते हैं। भारत का जो संविधान है हमें सदैव स्पष्टता देता है कि न्याय, लैंगिक समानता और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर चलने के लिए हमें समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है। अब ये समय भी आ गया है, जिस प्रकार से अब देश आगे बढ़ रहा है, जिस प्रकार से आज ज्ञान विज्ञान आगे बढ़ा है, हमें वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है और जो राजनीतिक स्वार्थ हैं उनसे ऊपर उठकर ऐसे समाज का निर्माण करना है जो हर स्तर पर समान भी हो और समरस भी हो, एक दूसरे के साथ कोई भेदभाव उसमें न हो, वैसी ही समानता जिसका जिसके आदर्श हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है, वैसी ही समता जिसके पक्षकार भारत रत्न पुरुषोत्तम राम बोला, बढ़िया बोला, सही तो कह रहा हूँ, सही बोला बिल्कुल। अरे कह रहा हूँ बढ़िया बोला, नहीं हंसने पे भी बैन लगाओगे क्या? वैसी ही समता, मैं बड़ा आभारी हूँ आपका भी और आपके सभी साथियों का, इन साथियों का भी और उधर से भी दर्शक दीर्घा से भी, उधर बैठे हुए लोगों का भी और हमारी माननीय अध्यक्ष महोदया का भी, जो लगातार इतनी देर तक हम सब लोग बैठे। भगवान राम के हम भी अनन्य भक्त हैं, और हमारे आदेश चौहान जी ने कुछ कहा कि उनके रंग के बारे में कहा, भगवान राम जी के श्यामांग दिव्य प्रश्न वर्तन, क्या बात है, क्या निश्चित है, शोभित हो श्यामांग, उनका आदमी श्यामांग था, श्याम रंग के थे, आप नाराज हो गए उनसे, चलिए मैं बोलूं, अरे कविता थोड़ी है, काम बहुत राम नयन की काम रुना नहीं भगवान श्री राम का नाम आ गया, उच्चारण हो गया,
और जिस समता के आदर्श भगवान श्री राम थे, हम वैसे ही समता के पक्षकार। जब अब कल ये प्रस्ताव, ये विधेयक का यहाँ पर प्रस्तुत हुआ, तो सभी जगह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पूरे सदन ने नारे लगाए, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैंने भारत रत्न भी जोड़ा है, इंजीनियर रवि बहादुर जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी इसी समता के, इसी समरसता के पक्षकार थे। और वैसी ही समता जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में कहा है, सत्य ही संसार में ईश्वर है, धर्म भी सत्य के ही आश्रित है, सत्य ही जगत का मूल है, सत्य से बढ़कर और कुछ नहीं है, यह समय सत्य को पहचानने का समय है। वही सत्य जिसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 44 में होने के बावजूद भी देश की आजादी के इतने लंबा कालखंड बीत गया, हमने आजादी का अमृत महोत्सव भी मना लिया, अमृतकाल भी प्रारंभ हो गया, वही सत्य जिसने 1985 के साहवानों केस के बाद भी जिसको स्वीकार नहीं किया गया, वही सत्य जिसे पाने के लिए इसी देवभूमि की बेटी, यही काशीपुर की रहने वाली सायरा बानो ने लंबा दशकों तक संघर्ष किया, वही सत्य जो पहले भी हो सकता था लेकिन न जाने किन कारणों से नहीं हो पाए। हमारे, मेरे लिए ही नहीं ये प्रश्न मेरे मन में आ रहा है, तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न हमारा सामूहिक है और इसका उत्तर भी हम सब लोग मिलकर खोजेंगे तो अवश्य इसका उत्तर मिलेगा कि इतना लंबा कालखंड बीत जाने के बाद भी, देश के अंदर प्रचंड बहुमतों की सरकार होने के बावजूद भी, सामाजिक समानता लाने का प्रयास क्यों नहीं किया गया। इतना लंबा कालखंड होने के बाद भी, इतनी सारी सत्ताएं आने के बाद भी, हमारी जो मातृशक्ति है उसको समान अधिकार क्यों नहीं दिया गया, यह भी हमारे लिए प्रश्न है कि बोर्ड बैंक को देश से ऊपर क्यों माना गया, नागरिकों के बीच भेद को कायम क्यों रखा गया, क्यों समुदाय के बीच असमानता की खाई खोदी गई, लेकिन अब इस खाई को भरा जाएगा, वह काम आज से शुरू होगा, अभी से शुरू होगा और यहीं से शुरू होगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं, उनके शब्दों में कहूं तो कहते हैं कि यही समय है और सही समय है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि सामान्य नागरिक संहिता, विवाह भरण पोषण, गोल्ड लेने, उत्तराधिकार, विवाह विच्छेद जैसे मामलों में भेदभाव न करते हुए सभी को बराबरी का अधिकार देगा। प्रत्येक नागरिक का जो मौलिक अधिकार है वो उसको प्रदान कराएगा, सारे भेदभाव को समाप्त करेगा और इस समान नागरिक संहिता के विभिन्न वर्गों में विशेष रूप से माताओं, बहनों और बेटियों को उनके साथ जो भेदभाव होते थे, जो अन्याय होता था, जो उनके साथ कुरीतियां जुड़ी हुई थी, उनको समाप्त करने में ये सहायक सिद्ध होगा। और अब ये समय आ गया है कि जो हमारी मातृशक्ति है उनके ऊपर होने वाले जो अत्याचार हैं उनको रोका जाए। अब समय आ गया है कि हमारी माताओं को, बहन बेटियों के साथ जो भेदभाव होता था उनको समाप्त किया जाए। अब समय आ गया है जो हमारी आबादी की आधी आबादी को सच्चे अर्थों में उनको बराबरी का हिस्सेदार बनाया जाए, उनको बराबरी का दर्जा दिया जाए। अब समय आ गया है कि हमारी जो मातृशक्ति है उस मातृशक्ति को संपूर्ण न्याय दिया जाए। और जो काम आज की ये विधानसभा कर रही है, ये ठीक है कि हम लोग इसकी पहल कर रहे हैं, सरकार की तरफ से पहल है, हमारी तरफ से पहल है,
यूसीसी कमेटी भी हमने बनाई है, लेकिन मैं दावे के साथ एक बात कह सकता हूं कि इस कानून में जिन जिनका भी अंश मात्र भी सम्मिलित हो रहा है उन सभी को पुण्य का भागी बनना है, सभी को किसी न कुछ पुण्य मिलने वाला है, क्योंकि क्योंकि ये एक ऐसा काम होने जा रहा है वास्तव में, इससे बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। यूसीसी आखिर क्या है, इससे क्या होने वाला है, मैं अध्यक्ष महोदय थोड़ा इसको बताना चाहता हूं कि आजादी से पहले हमारे देश में जो व्यवस्था थी शासन करने की व्यवस्था, उसमें एक ही नीति होती थी और वो नीति हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों का जो शासन था कि महाराज जी फूट डालो और राज करो, तो वो नीति चलती रही। अपनी उसी नीति को अपनाकर उन्होंने कभी भी सबके लिए एक समान कानून नहीं बनने दिया, हमेशा उसको रोकने का काम किया गया। लोगों के जो व्यक्तिगत नागरिक मामलों को लेकर अंग्रेजों का रवैया सदैव कुटिलतापूर्ण रहा, क्योंकि उनका उद्देश्य विभिन्न वर्गों को आपस में लड़वाना था, उनको बांटना था। और जो जिस सामाजिक समरसता की बात मैं कह रहा हूँ, जिस समरस समाज की मैं बात कर रहा हूँ, उस समरस समाज को हमेशा बांटने का काम, उसको छिन्न भिन्न करने का काम उन्होंने किया। और संविधान निर्माण के समय में भी इस समान नागरिक संहिता के बहुत सारे प्रयास हुए। सदियों से जो एक असमानता का जो दंश था, हमारा देश जब आजाद हुआ सबको समान न्याय देने के लिए, उसमें विमर्श हमारे संविधान के जो संविधान निर्माता थे, शिल्पी थे जिन्होंने संविधान बनाया, उस पर उन्होंने काफी काफी उन्होंने आपस में मंथन किया, आपस में बात भी की, उनके एजेंडे में भी था। इसलिए आजादी के बाद संविधान निर्माताओं ने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए समान नागरिक संहिता को संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 44 में यह कहते हुए स्थान दिया कि उपयुक्त समय आने पर समान जो नागरिक संहिता है वो राज्य भी बना सकते हैं। और कई बार बात आई थी यहाँ से भी उधर से भी कहीं से, लोगों के मन में संदेह होगा, इस पर ड्राफ्ट कमेटी ने बहुत विद्वानों से राय ली है, बात की है, उसी के अनुरूप हम संवैधानिक जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था के अनुरूप ये ड्राफ्ट भी लाए हैं, ये विधेयक भी लेकर आए हैं। संविधान सभा से संबंधित विषयों को संविधान की जो समवर्ती सूची का अंग है बनाया गया, इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ जो राज्य सरकारें हैं वह भी अपने राज्य के लिए समान नागरिकता समान नागरिक संहिता का जो कानून बना सकती हैं, इस प्रकार का प्रावधान उसमें किया गया है। और हम लोग बाबा साहब अंबेडकर को अपना पूज्य मानते हैं, उन्होंने संविधान बनाया, उनके अनुसार देश चलता है, अपने भाषणों में भी हम कभी थकते नहीं हैं कि हम उनका उनकी तस्वीर भी अपने ऑफिसों में लगाते हैं। और वैसे मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन तुष्टीकरण के लिए समान नागरिकता की बात, बाबा साहब के विचारों को उसके लिए हम भूलते चले गए, जो बहुत पहले होना चाहिए था वो नहीं हुआ। आज के इस अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भूतकाल में जो गलतियाँ हुई हैं उस पर बहुत बात करनी भी नहीं है, क्योंकि जो भूतकाल में गलतियाँ हो गई हैं उसको सुधारने का काम जो भविष्य में आएंगे उन लोग करेंगे। हमारे गोपाल सिंह राणा जी को देखकर एक बात मुझे याद आ गई कि मैं इनके बाद ठीक खटीमागा में विधायक बना, और एक दिन इनका अखबार में कहीं बयान आ गया कि ये काम मैंने अपने समय में शुरू किया था। आ गया तो मेरे पास भी पत्रकार लोग आए कुछ उस समय, हालांकि ज्यादा छपता नहीं था उस समय, महाराज जी छोटा छपता था, हम लोग अगर कुछ बोल भी देते तो विधायक लोग तो इतना सा कहीं एक छोटी सी क्लिप छप जाती थी। तो मेरे से पूछा उन्होंने कि भाई गोपाल सिंह राणा जी तो कह रहे हैं कि आपने नहीं करा ये काम तो उन्होंने कराया, उन्होंने शुरू करवाया। मैंने कहा मैं उनके बाद आया हूँ, अब उन्होंने जो अच्छे काम किए हैं वो भी सब मेरे हैं और जो उन्होंने छोड़ दिए हैं वो भी सब मेरे हैं, तो उन सब कामों को आगे बढ़ाने का काम, जो पुरानी गलतियां हैं उन पर नहीं बात करनी है, बस ये प्रश्न अनायास ही
मन में आ जाता है कि आखिर आजादी के इतने वर्षों तक भी लंबे समय तक राज करने वाले लोगों ने कभी बाबा साहब के सपनों को, उनके संकल्पों को, उनके विचारों को पूरा करने का काम नहीं किया। आखिर क्यों वो जो राष्ट्रनीति है उसको भूलकर केवल और केवल तुष्टिकरण की ओर बढ़ गए। स्वतंत्रता के पश्चात जो व्यक्तिगत नागरिक मामलों से कई संबंधित कानून बनाए गए उनमें समान न्याय मिलने पर देशवासियों का जो सपना था वह भी दुविधा की भेंट चढ़ गया। इस अवसर पर हमको यह नहीं भूलना चाहिए कि ऐसी दुविधाएं और अंतर्द्वंद्वों का संज्ञान लेकर उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा समय समय पर समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर जोर दिया है और माननीय न्यायालयों की समान नागरिक संहिता के लिए जो टिप्पणियां हैं, अगर वो शुरू में अभी प्रीतम सिंह जी ने भी एक गुनाया था, वो चले गए केशव भारती वाला, मैं उनको अगर गिनाना शुरू करूं तो बहुत सारे उदाहरण हैं। केशवानंद भारती वर्सेज केरल सरकार के केस में भी उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया था। 1985 का मोहम्मद अहमद खान वर्सेज शाहबानु बेगम के केस पर भी उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया था। 1985 का सरला मुदगल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में भी उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया था। 2014 का शबनम हाशमी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में भी उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया था। 2017 में सायरा बानो अन्य वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य के केस में उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया था। ऐसे न जाने कितने निर्णय आए और कितने ही सुझाव केवल और केवल मैं कहूं कि राजनीतिक स्वार्थों के चलते उनको अमल में नहीं लाया गया और रद्दी की टोकरियों में डाल दिया गया। वो महत्वपूर्ण सुझाव हमारी बहन बेटियों के जो सशक्तिकरण का काम हो सकता था वो उनके हिस्से में नहीं आया और आया तो केवल और केवल इंतजार इंतजार और इंतजार, प्रतीक्षा, लगातार प्रतीक्षा। और अब जो इंतजार है ये प्रतीक्षा है, उसकी घड़ियां आप समाप्त होने को है और इसका साक्षी बनने जा रहा है हमारा देवभूमि उत्तराखंड का ये विधानसभा का ये सदन। और ये सौभाग्य भी इसको इसलिए मिला है कि ये जो हमारा राज्य है, हमारा राज्य जो मातृशक्ति के संघर्षों से बना हुआ राज्य है, मातृशक्ति ने जिसके लिए बड़ा संघर्ष किया है और अपना बलिदान मातृशक्ति ने किया, चाहे हम आज उसके लिए याद करें खटीमा गोलीकांड हो, मसूरी का गोलीकांड हो या मुजफ्फरनगर का गोलीकांड हो, उनको हम भूल नहीं सकते। तो उनके बलिदानों के कारण, उनके संघर्षों के कारण हमको राज्य की प्राप्ति हुई है। अध्यक्ष महोदया, हमारा यह कदम जो हम यहाँ पर आगे बढ़ाने जा रहे हैं, संविधान में उल्लेखित जो भी नीति निर्देशक सिद्धांत है उसके अनुरूप तो है ही। यह महिला सुरक्षा, उनकी आत्मनिर्भरता, उनके सशक्तिकरण और उनके स्वावलंबन के लिए भी महत्वपूर्ण एक अध्याय यहाँ से आज प्रारंभ होने जा रहा है। हमारे सामने ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहाँ विश्व के कई देशों में समान नागरिक संहिता को लागू कर अपने नागरिकों के लिए समान जो न्याय है, समान जो व्यवस्था है, वो पूरी दुनिया के अंदर अनेक देशों ने इसको सुनिश्चित किया है। उन देशों में सऊदी अरेबिया, टर्की, अजरबैजान, नेपाल, फ्रांस, जर्मनी, जापान, अमेरिका, कनाडा, बांग्लादेश, इंडोनेशिया जैसे अनेकों उदाहरण हमारे सामने हैं। अब जब हमारे देश के हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्र ऋषि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत का जो उन्होंने स्वप्न देखा है, विकसित भारत का जो उन्होंने संकल्प लिया है, और जब आने वाले समय में, आज खराब समय में जिस समय हमारे देश में तमाम प्रकार से कई संकट भी आ गए, कोरोना महामारी भी आ गई, लेकिन उसके बावजूद भी आज हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं और आने वाले समय में हम दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और उन्हीं के नेतृत्व में देश में 3 तलाक और कश्मीर के अंदर धारा 370, जिस कश्मीर को बचाने के लिए देश के हजारों हजार लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान किया, अपनी शहादत दी, और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं बन पाया, उस कश्मीर को भी
भारत का अभिन्न अंग बनाने का काम, भारत में पूर्ण विलय का काम, धारा 370 समाप्त करने का काम, ऐसी अनेक ऐतिहासिक जो गलतियां थी उसके सुधारने के पथ पर है। जब उनके नेतृत्व में हम सैकड़ों वर्षों बाद और मैं कहूंगा कि भगवान राम त्रेता युग में पैदा हुए और बीच में द्वापर आ गया और कलयुग के भी 5126 वर्ष पूरे हो गए और लगभग महाराजी कितना 10,000 वर्ष द्वापर का रहा होगा। दस हजार वर्ष द्वापर के, 5,000 वर्ष इसके, तो लगभग 15,000 वर्षों के बाद बाबर के नहीं कह रहे चलिए लंबे संघर्षों के बाद और कई पीढ़ियां उसमें लग गई, लाखों करोड़ों लोगों का, लाखों करोड़ों लोगों के संघर्षों के बाद और लंबी प्रतीक्षा के बाद भगवान राम लला, जिसके बारे में अभी एक साथी हमारे शक्तिलाल शाह जी यहाँ से बोल रहे थे, शैला दीदी भी बोल रही थी कि हम नारा लगाते थे, गली गली में घूमते थे, कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और लंबी प्रतीक्षा के बाद, लंबे संघर्षों के बाद, लंबे लोगों की जिंदगानी और जवानी जाने के बाद भगवान राम लला आ गए और प्राण प्रतिष्ठा हो गई और शांत रहिए माननीय मुख्यमंत्री जी बोल, शांत रहिए। और जब हम आज रामलला को वहां विराजित होते हुए देख रहे हैं और ये अवसर या तो उन लोगों के नसीब में आया होगा जो भगवान राम के त्रेता युग में पैदा हुए थे, या इस कालखंड में जो हम लोग हैं उनके समय में रामलला को देखने का, और राम युग, मैं कह सकता हूं कि राम युग प्रारंभ हुआ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, और जब हम मातृशक्ति को सशक्त करने के लिए संसद के अंदर नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो एक प्रावधान बन गया, 33% का आरक्षण सुनिश्चित हो गया, ऐसे समय में हमारा भी ये सदन, अभी महाराज जी जब अपना सतपाल महाराज जी जब अपना उद्बोधन कर रहे थे तो तब कह रहे थे कि हर किसी का योगदान, उसके बारे में आप लोग सुन नहीं पा रहे थे उस समय, क्योंकि थोड़ा आप लोग सुन नहीं रहे थे उस समय, तो गिलहरी ने जिस प्रकार से योगदान दिया था, जब 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 जिस समय में, अरे जिस समय राम सेतु बनाया जा रहा था तो नल, नील, अंगद, जामुन, हनुमंत, बड़े बड़े इंजीनियर कुछ न कुछ काम कर रहे थे, कोई ईंटें ला रहा था, कोई गारा ला रहा था, कोई लकड़ी ला रहा था, कोई लोहा ला रहा था, इंजीनियर साहब तो उनकी पीठ थपथपा रहे, तो उस समय में हर कोई ये सोच रहा था कि मुझे भी कुछ योगदान करना है, भगवान के इस राम कार्य में अपनी भी आहुति देनी है,
तो एक गिलहरी जो दूर खड़ी थी वहां से देख रही थी कि कुछ छिद्र ऐसे हैं जो छिद्र बंद नहीं हो पा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा अवसर और कौन सा हो सकता है कि भगवान के यज्ञ में मैं भी अपनी आहुति दी। वो अपने को पानी में डुबकी लगाती है और डुबकी लगाकर रेत पर ओट पोट होती है और उन छिद्रों को बंद करने का काम करती है। तो ऐसे समय में जब नारी शक्ति बंधन भी हो रहा है, देश के अंदर लखपति दीदियां भी बन रही हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी चल रहा है, मातृशक्ति के उत्थान का उन्नयन का उनको आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, तो हमारा देवभूमि का ये सदन भी कैसे पीछे रह सकता है। इसलिए हम भी कैसे अपनी जिम्मेदारियों से विमुख कैसे हो सकते हैं हम ऐसे समय में। आदरणीय आदरणीय अच्छे अध्यक्ष महोदया, यह आदरणीय अध्यक्ष महोदया, यह विधेयक आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा जो विकसित भारत का संकल्प है, संगठित समरस और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए जो महान कार्य किए जा रहे हैं, महान यज्ञ किए जा रहे हैं, उसमें हमारे प्रदेश की भी एक आहुति मात्र है ये समान नागरिक संहिता। मुझे पूरा विश्वास है कि जहां एक और इस संहिता के द्वारा हम अपनी माताओं बहनों को, बेटियों को, बुजुर्गों को, बच्चों को और समाज में ऐसे अनेक अनेक लोग जो समाज के अंतिम छोर में खड़े हैं उनको अधिकार दिला पाएंगे, उनके साथ होने वाले किसी भी प्रकार के अन्याय और भेदभाव को समाप्त कर पाएंगे। इसलिए हमने ये यूसीसी इसको लाने का, इसको विधेयक के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का साहस किया है, इसीलिए हमने कदम आगे बढ़ाए हैं। और यूसीसी की जो रिपोर्ट अध्यक्ष महोदया सदन में आई है, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं कि इस विधेयक में हमने समान नागरिक संहिता के अंतर्गत जाति, धर्म, क्षेत्र व लिंग के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एक रूपता लाने का प्रयास किया है। एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमने संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत वर्णित जो हमारी अनुसूचित जनजातियां हैं इसको इस संहिता से बाहर रखा है, जिससे उन जनजातियों का और उनके रीति रिवाजों का संरक्षण किया जा सके। और कमेटी ने जब माड़ा गांव से ये काम शुरू किया था और अनेक स्थानों पर चक्राता हो या धारचूला हो या खटीमा हो, नानकमता, खटीमा, सितारगंज, अनेक स्थानों पर जब जनजाति समाज के बीच में कमेटी गई थी तो कमेटी ने भी उनसे कहा था कि हम सुधार की ओर हम भी आगे बढ़ रहे हैं, हमें इसमें और समय भी देना चाहिए। तो मैं इसमें कोई बहस में नहीं जाना चाहता, मैं सदन के समक्ष, चूंकि हम लोगों ने हमेशा ये सोचा है कि जो प्रदेश के हित में, समाज के हित में हो उस काम को आगे बढ़ाएंगे, किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर उस काम को नहीं करेंगे। तो जनजातियों के हित में हमने एक कदम उठाया कि उनको जो अनुच्छेद 342 में भारत का संविधान जो उनको सुविधाएं देता है या उनको जो संरक्षण देता है उसके अनुरूप ही ये कमेटी ने आगे बढ़ने का काम किया है। और इस संहिता में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि विवाह केवल और केवल एक पुरुष व एक महिला के मध्य ही हो सकता है। ऐसा करके हमने समाज को स्पष्टता देने का प्रयास किया है और अपने देश की जो संस्कृति है उसको बचाने का काम भी किया है। उसमें आप सब लोग, मैं जानता हूं, अन्य प्रश्न भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें हम जब विस्तार से अध्ययन करेंगे माननीय उच्चतम न्यायालय के जो आए हुए निर्णय हैं उन निर्णयों पर जब हम बात करेंगे तो स्पष्टता आ जाएगी। मैं जानता हूं कि कई बार आप सबके मन में जिज्ञासा जरूर हो रही होगी जब मैं ये बात कर रहा हूं। तो संहिता में सभी प्रकार के जो बच्चे हैं उनके अधिकारों व उनके संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, चाहे वो बच्चे जायज रिश्तों के आधार पर पैदा हुए हैं या अन्य रिश्तों के चलते हुए हों, गोद लिए हुए बच्चे हों या सरोगेसी के माध्यम से जन्म लिए बच्चे हों या टेस्ट ट्यूब माध्यम से जन्म लेने वाले बच्चे हों। संहिता में जो संपत्ति है उसका अर्थ
सभी प्रकार की संपत्तियों से है, चाहे वो चल हो अचल हो, मूर्त हो अमूर्त संपत्ति हो, पैतृक व स्ववर्जित संपत्ति या फिर अन्य प्रकार की जो संपत्ति हो, उन सभी से इसका तात्पर्य है। वर्तमान में जो विवाह विच्छेद से संबंधित अनेक कानून अभी तक चल रहे थे हमारे यहाँ, जिनके आड़ में हमारी जो बहन बेटियां हैं, जिन पर अनेकों दशकों से जो अत्याचार किया जा रहा था, इनको भी इनमें जो समानता नहीं थी उनको समानता लाने का उसमें प्रयास किया गया है। और जो समान नागरिक संहिता में अन्य भी कुछ विशिष्ट कदम उठाए गए हैं, इस संहिता में विवाह की आयु सभी युवकों के लिए, सभी बेटों के लिए 21 साल की गई है और सभी बेटियों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की है। इससे पहले कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनमें जो बेटियां हैं उनके लिए विवाह की जो आयु है वो निर्धारित नहीं थी, ऐसा करके अब आयु निर्धारित करके हमने उन बेटियों के साथ, उन बच्चियों के साथ जो शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न है वो हम रोक पाएंगे और अच्छे बुरे की जो समझ आने से पहले जोर जबरदस्ती करके उनको विवाह के लिए जो मजबूर किया जाता था उसको भी रोकने का काम इस संहिता के माध्यम से होगा। संहिता में पुरुष व महिला दोनों को बराबरी का दर्जा देते हुए विवाह विच्छेद से संबंधित मामलों में विवाह विच्छेद लेने के कारण समान अधिकार दिए गए हैं, दोनों में समान अधिकार दिए गए हैं। समान नागरिक संहिता में महिला के दोबारा विवाह करने से संबंधित किसी भी प्रकार की जो रूढ़िवादी शर्तें हैं उसको इसमें प्रतिबंधित किया गया है। इसका उद्देश्य किसी को टारगेट करना नहीं है, इसका उद्देश्य समानता लाना, उत्पीड़न को रोकना, सबको समानता से जीने का अधिकार देना। हमारे इस कदम से जहां जो अनेकों कुछ ऐसी कुप्रथाएं हैं उन कुप्रथाओं का अंत होगा, जिससे हमारी माताओं को बहनों को ठेस पहुंचता था उनको सम्मान से जीने का अवसर प्राप्त होगा। ऐसे भी कई प्रकरण हैं जिन पर पहले इस प्रकार के ये रूढ़िवादी जो कानून हैं अलग अलग तरीके से लगाए गए थे, अब इस प्रकार के कानून जो अब समान नागरिक संहिता बनने के बाद स्वतः ही राज्य के अंदर समाप्त हो जाएंगे और इस प्रकार के प्रकरण सामने आने पर जहां पर इस कानून का उल्लंघन होगा वहां पर 3 वर्ष तक की सजा और 1,00,000 रुपए तक के जुर्माने या दोनों का प्रावधान इसमें रखा गया है। अब इस कानून के माध्यम से दंपतियों में से यदि कोई भी बिना दूसरे की सहमति से अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो दूसरे व्यक्ति को उस व्यक्ति से विवाह विच्छेद करने और गुजारा भत्ता लेने का पूरा अधिकार होगा। अगर पत्नी भी अगर उसमें कुछ करती होगी या तो वो होगी तो उसमें अगर उसकी तरफ से अगर इस प्रकार का होगा तो उसको भी इसमें जो है गुजारा भत्ता लेने का अधिकार होगा। हमारे द्वारा इस संहिता में एक पति पत्नी के जीवित होने पर, पति या पत्नी के जीवित होने पर दूसरा विवाह करना पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है, पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। इस संहिता में यह भी उल्लेखित किया गया है कि सभी के लिए विवाह विच्छेद का जो पंजीकरण है वो कराना अनिवार्य होगा। जिस प्रकार से अभी तक जो जन्म और मृत्यु का पंजीकरण होता था उसी प्रकार की प्रक्रिया को अपनाकर विवाह और विवाह विच्छेद दोनों का पंजीकरण भी किया जा सकेगा। और हमारी सरकार का जो सरलीकरण का मंत्र है, हर चीज को सरल करना है, उसके अनुरूप ही पंजीकरण वेब पोर्टल के माध्यम से किया जा सकेगा। और जैसे ही ये हमारा एक्ट माननीय राष्ट्रपति जी के यहाँ जाएगा, वहाँ से लौट कर आएगा, एक्ट के रूप में जैसे ही प्रदेश के अंदर लागू होगा तो इन कानूनों के लागू होने के बाद किसी भी प्रकार की कहीं पर समस्या न हो उसके लिए हमने पहले से ही इस व्यवस्था को बनाने का काम प्रारंभ कर दिया है। उत्तराखंड के अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम जो 2010 को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से आप समस्त सरकारी सुविधाओं का लाभ केवल वही दंपति ले पाएंगे जिन्होंने विवाह का पंजीकरण कर लिया होगा। और इसमें बहुत ज़्यादा
संदेह करने की भी आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा कि कानून बन रहा है, एक्ट के रूप में आ रहा है, इस पर चर्चा हो रही है और आगे चलकर इसमें जहां जहां भी सुधार की आवश्यकता होगी हम एक अच्छे काम के लिए आगे बढ़े हैं। जब जरूरत पड़ेगी राज्य के हित में, जन के हित में, मन के हित में, लोगों के हित में, मातृशक्ति के हित में, तो हम उसको जो जरूरी संशोधन है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास सुधार आएगा। इस प्रकार से जो अनिवार्य पंजीकरण होने से यदि कोई व्यक्ति अपना पहला विवाह छिपाकर किसी महिला को धोखा देकर दूसरा विवाह करने का प्रयास करेगा तो उसका पता अब आसानी से लग जाएगा और ऐसा करने से हमारी माताओं बहनों में एक सुरक्षा का जो भाव है वो आएगा, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, उनके अंदर आत्मसम्मान से जीने का भाव जागृत होगा। इसलिए मैं सदन में आप सबके समक्ष स्पष्ट करना चाहता हूं कि पंजीकरण न होने की स्थिति में भी अगर किसी ने पंजीकरण नहीं भी करवाया है तो ऐसा नहीं होगा कि उसका विवाह अमान्य मान लिया जाएगा, उसमें समय है। इस संहिता में यह प्रावधान किया गया है कि पति पत्नी के विवाह विच्छेद या घरेलू झगड़े के समय में, कई बार घरेलू झगड़ा होता है तो उस समय में ये स्थिति पैदा होती है कि अब छोटा बच्चा है तो बच्चा किसके पास जाएगा, पिता के पास जाएगा कि माता के पास जाएगा, तो ऐसे समय में जो बच्चे की अभिरक्षा है जो 5 वर्ष तक का होगा उसकी कस्टडी उसकी माँ के पास ही रहेगी। संपत्ति से अधिकार में भी कुछ बिंदु इसमें सम्मिलित किए गए हैं। इस जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित जो कानूनों की भी स्पष्ट रूप से इसमें व्याख्या है। संहिता में सभी वर्ग के पुत्र और पुत्री, वैसे बहुत बार आ गया तो आप सब इसके बारे में अच्छी तरह से जान गए हैं। संपत्ति में समान अधिकार दिया गया है। संपत्ति में अधिकार के लिए जायज और अब तक नाजायज कहे जाने वाले बच्चों में कोई भेद नहीं कहा जाएगा। बच्चा जैसे भी पैदा होगा वो पहले भी मैंने स्पष्ट कर दिया है कि अब उसको भी उसी प्रकार का संपत्ति में अधिकार होगा। अभी सभी संतानों को समान मानते हुए संपत्ति के अधिकारों में समानता दी गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ पर ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कई बार ऐसी बातें आती हैं कि बच्चा नाजायज है, नाजायज औलाद है, इस प्रकार के शब्दों को भी हमने इस संहिता में समाप्त करने का काम किया है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि कोई रिश्ते गलत हो सकते हैं, उनमें कोई कमी हो सकती है, समाज जिसको नहीं मानता है वो रिश्ते हो सकते हैं, लेकिन उससे उत्पन्न होने वाले जो बच्चे हैं वो किसी भी कीमत पर नाजायज नहीं हो सकते। वो बच्चे निर्दोष होते हैं और नाजायज शब्द के कारण बच्चे के जो व्यक्तित्व पर बुरा प्रभाव पड़ता है उस बुरे प्रभाव को भी हमने इस पर पूरी तरह से समाप्त करने का काम किया है। अब तक अधिकांश प्रावधानों में जो मृतक व्यक्ति की संपत्ति में उसकी माता पत्नी व बच्चों को समान अधिकार दिया जाता था, किंतु पिता व उसके जो पिता थे उस अधिकार से वंचित रहते थे। हमने इस संहिता में उनके पिता की भी चिंता की है और उन्हें भी संपत्ति में समान अधिकार देने का प्रावधान किया है। हमारी सरकार ने जो गर्भस्थ शिशु के अधिकार की भी चिंता की है और इस संहिता में गर्भ में पल रहे बच्चे की संपत्ति में अधिकार को अब पूर्ण रूप से संरक्षित कर दिया गया है। अब सभी वर्गों के व्यक्ति अपनी संपूर्ण संपदा की वसीयत कर सकेंगे, जिसका नियम पहले अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग थे, अब समान नागरिक संहिता आने के लिए ये नियम भी अब समान हो जाएंगे। समान नागरिक संहिता में लिव इन संबंधों को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के भी कई बार निर्णय आए हैं, उस पर मैं बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि लगातार कई घंटों से इस पर चर्चा हो रही है, बहुत विस्तार से नहीं है। अभी आपके पास ये जो वॉल्यूम है इसके हमारे 4 वॉल्यूम 740 पेज के लगभग हैं, सारे वॉल्यूम आप लोग पढ़ लेंगे या जो हमारी ये ड्राफ्ट कमेटी ने कुछ उसमें बनाया है वो पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ें उसमें स्पष्टता से आ जाएंगी। एक वयस्क पुरुष जो 21 वर्ष या उससे अधिक का हो, वयस्क महिला जो 18 वर्ष से उससे अधिक की हो, तो वो लिव इन रिलेशनशिप में रह सकने के लिए वो होंगे, और जब वो पहले से विवाहित है किसी अन्य के साथ, एक साथ कई लोग कई बार कई तरीके से उसमें रहते हैं,
तो उनको कानूनी रूप से प्रतिबंधित संबंधों की श्रेणी में जो नहीं आते हैं, लिव इन रिलेशन में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को लिव इन में रहने हेतु केवल पंजीकरण कराना होगा। ये जरूरी नहीं है कि उसकी जानकारी सभी जगह दी जाए, जिससे भविष्य में हो सकने वाली किसी भी प्रकार के विवाद या अपराध को रोका जा सकेगा। आपने देखा होगा बहुत बार पता नहीं लगता, बहुत सारी बच्चियों को बच्चों को उनको सूट केसों में ठूस ठूस के जब उनके टुकड़े टुकड़े करके रख दिया जाता है कई मामलों में, तो ऐसे मामलों में इस पर रोक लगेगी। कुल मिलाकर ये देखा जाए तो हमारी सरकार ने इस संहिता में लिव इन रिलेशनशिप को एक संतुलित एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण से अपनाने का प्रयास किया है। ऐसे सभी प्रावधान जो भी हमारी सब पीढ़ियों के लिए अच्छे हो सकते हैं, उसको लागू करने का काम हमने इस समान नागरिक संहिता में किया है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार जो संहिता है इसके प्रमुख जो हमारे जो बिंदु हैं इस पर मैंने अभी तक चर्चा की है। मैं कह सकता हूं कि हमारे शास्त्रों में भी जो वर्णित है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमंत्र तत्र देवता, ये जो उक्ति है चरितार्थ होती है। साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो नारी शक्ति बंधन है उसका संकल्प भी सिद्ध होता है। और इतिहास जो 21वीं सदी के तीसरे दशक को महिला सशक्तिकरण को समर्थित दशक के रूप में याद रखेगा, चाहे वो हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं उनको 3 तलाक से मुक्ति मिली हो, या देश की जो विधायिका है उसमें 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया हो, या प्रधानमंत्री आवास योजना में मिलने वाले जो घर हैं उसकी रजिस्ट्री और चाबी हमारी बहन बेटियों के हाथ में सौंपने का निर्णय हो, देश में पहली बार देश के सर्वोच्च पद पर एक ऐसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में पढ़ी लिखी पैदा हुई बेटी को देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने का अवसर मिला हो। इतना ही नहीं, यदि हम उत्तराखंड की बात करें तो इसी सदन ने मातृशक्ति के उत्थान के लिए, मातृशक्ति के उन्नयन के लिए, मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य के जो सरकारी सेवाएं हैं उन सेवाओं में 30% का आरक्षण भी सुनिश्चित किया और अपने वायदे को निभाया। ऐसे बहुत सारे काम हैं हमारी उत्तराखंड की सरकार ने।